क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। इंग्लैंड में चल रहे क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को इंग्लैंड बुला लिया गया है। उन्हें चोटिल सलामी बल्लेबाज शिखर धवन के कवर के रूप में बुलाया गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि पंत को इंग्लैंड बुला तो लिया है मगर उन्हें ड्रेसिंग रूम में घुसने से रोक दिया गया है। यानी पंत को टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में अभी तक एंट्री नहीं मिली है और हो सकता है कि पंत को ड्रेसिंग रूम के बाहर ही बैठना पड़े, क्योंकि नियमों के मुताबिक जब तक किसी खिलाड़ी को पूरी तरह सीरीज या टूर्नामेंट से बाहर नहीं किया जाता तब तक दूसरे खिलाड़ी को रिप्लेसमेंट नहीं माना जा सकता। वो सिर्फ कवर खिलाड़ी के तौर पर ही खेल सकता है और कवर खिलाड़ी को ड्रेसिंग रूम के अंदर आने की इजाजत नहीं होती। यानी जब तक शिखर धवन को वर्ल्ड कप से पूरी तरह बाहर नहीं किया जाएगा तब तक पंत को इंडियन ड्रेसिंग रूम में जाने का मौका नहीं मिलेगा। बीसीसीआई सूत्रों की माने तो 2015 विश्व कप में धवल कुलकर्णी के साथ जैसा हुआ था बिल्कुल वैसा ही पंत के साथ हो रहा है। धवल कुलकर्णी की तरह पंत औपचारिक रूप से टीम का हिस्सा नहीं होंगे और मैच के दिन उन्हें ड्रेसिंग रूम में जाने का मौका नहीं मिलेगा। वो टीम का हिस्सा नहीं होंगे इसलिए खलील अहमद के साथ उन्हें अलग से यात्रा भी करनी पड़ेगी, यानी वो टीम के साथ यात्रा भी नहीं कर पाएंगे। आईसीसी के भ्रष्टाचार रोधी नियमों के अनुसार सिर्फ चुने हुए खिलाड़ी ही टीम के साथ यात्रा कर सकते हैं और ड्रेसिंग रूम में जा सकते हैं। यानी शिखर पर आखिरी फैसला आने के बाद ही पंत की एंट्री पर भी फैसला होगा। माना जा रहा है कि पंत पाकिस्तान के साथ 16 जून को होने वाले हाई वोल्टेज मुकाबले से पहले मैनचेस्टर में टीम के साथ जुड़ेंगे। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।